उन्होंने हमें अच्छा बनाया, क्या उनके लिए यही गलत है? हाँ, हम उनके दिए हुए रास्ते पर चलते हैं, क्या वो गलत है? मांस अंडा छोड़ा, नशे छोड़े, वैश्यवृत्ति को बदला, हाँ सुख दुआ सुआज को बदला जो कि। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं डेरे के बारे में। आइए एक और महिला से जानते हैं इनका क्या कहना है डेरे के बारे में। नमस्कार मैम। मेरा नाम सिमरन है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं डेरे से जुड़ी हूँ और बचपन से जुड़ी हूँ, जब मैं 4-5 साल की थी, और मैं यहाँ पे हमेशा ही आती रहती हूँ, हर 15 दिनों में, हर 10 दिनों में। और यहाँ का मॉल सबसे अच्छा है, ऐसा मॉल कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि एक बार एक डेरे में आकर देखें तो आपको इस मॉल का पता चलेगा। जो लोग डेरे के बारे में गलत बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, एक बार इस डेरे में आकर देखो, आपको सब सच्चाइयाँ पता चलेंगी बहन बेटी के बारे में। यहाँ कोई किसी को गलत नहीं बोलता है ना सोचता है, हर कोई गुरुजी का शिष्य है, हर कोई गुरुजी के बारे में अच्छा ही बोलता है और सब पिताजी के दिए हुए वचनों पर ही चलता है। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि हमारे गुरुजी जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक सहजोबाई थी बहन, उनका भी यही कहना था कि अगर भगवान खुद भी मेरे पास चल कर आएँ तब भी मैं अपने गुरु को नहीं भुला सकती। मैं भगवान को तो छोड़ सकती हूँ, गुरु को कभी नहीं भुलाऊँगी। और यही कहना मेरा है कि मैं अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ सकती, भगवान को बुला सकती हूँ। मानवता भलाई के क्या क्या काम कराए हैं उन्होंने? मानवता भलाई के उन्होंने बहुत सारे कार्य चलाए हैं। सबसे पहले सफाई अभियान, जो किन्नर थे उनको अपना मतलब वो दिया, सम्मान दिया, उनका नाम रखा। आज समाज को ज़रूरत है उनकी? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके बगैर हमारे बच्चे अधूरे हैं। अगर वो आ जाएंगे तो दुनिया में सब अच्छा ही होगा, सब लोग अच्छा ही बोलेंगे। मैं तो लोगों से ये कहना चाहूँगी कि सूरज पश्चिम से उग सकता है पर गुरु गलत हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। हमसे पूछिए कि गुरु क्या चीज़ है, उन्होंने हमें अच्छे रास्ते पर चलाया है। बताओ, क्या हमारे गुरु जी आप लोगों से मांगने आते हैं? वो हमें अच्छी शिक्षा ही तो देते हैं। मांस अंडा छुड़ाया और उन्होंने क्या करा, किसी का गलत करा? अरे एक बार आकर तो देखो इस डेरे में, हमारे गुरु जी से पास सत्संग तो सुनो, तो पता चलता है कि गुरु क्या चीज़ है। उन्होंने हमें अच्छा बनाया, क्या उनके लिए यही गलत है? हाँ, हम उनके दिए हुए रास्ते पर चलते हैं, क्या वो गलत है? मांस अंडा छोड़ा, नशे छोड़े, वैश्यवृत्ति को बदला, हाँ सुख दुआ समाज को बदला, जो किन्नर थे उनका सुख दुआ समाज नाम दिया, क्या वो सब गलत है? हैं, भक्ति योद्धा बनाए वो गलत है, शुभ देवियाँ नाम दिया वैश्यों को ये गलत है। मैं उनसे लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ कि क्यों वो हमारे गुरु को गलत बताते हैं? हमारे गुरु जी जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। हम उसी के थे, उसी के हैं और उसी के रहेंगे। आज उनके ना होने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं? समाज पर देखो ये प्रभाव पड़ रहा है कि लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। बहुत ऐसे हैं कि मतलब लोगों ने नाम तोड़ दिया, पर मैं ये कहना चाहूँगी उनसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे गुरु जी जैसा कोई भी नहीं है। एक बार तो आप गुरु को देखो, गुरु हाथ नहीं छोड़ता, शिष्य छोड़ देता है। जैसे एक माँ है, बच्चा उसका नलायक निकल जाए पर माँ कभी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती, चाहे माँ बच्चा उसका कितना भी नलायक हो। वैसे ही एक गुरु है, चाहे बच्चा उसका कितना भी नलायक हो, शिष्य उसका कितना भी नलायक हो, पर गुरु उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे शिष्य छोड़ दे उसका हाथ। गर्ल्स की सेफ्टी कैसी है डेरे में? गर्ल्स की सेफ्टी बहुत अच्छी है, यहाँ पर रूल बहुत ही सख्त है। ना तो लेडीज़ की तरफ जेंट्स आते हैं, जेंट्स की तरफ लेडीज़ आती हैं, कोई यहाँ पे इतना मतलब सख्त पाबंदी है। और गर्ल्स एकदम सेफ रहती हैं, कोई किसी को गलत नहीं बोलता है, सब अच्छा ही एक दूसरे से, सब बहन भाई एक दूसरे की तरह रहते हैं। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, ये क्या है? ये समाज सुधारक है। जहाँ भी कहीं भी आपदा आ जाए, कहीं भी विपदा आ जाए, ग्रीन एस फोर्स सच्चे सौदे के लोग भाग भाग कर जाते हैं और हर जगह मदद करते हैं। कहीं भी कुछ सहलाब आ जाए, भूखापान कुछ भी आ जाए, ग्रीन एस फोर्स सबसे पहले पहुँचती है, सबसे पहले। आज देश को ज़रूरत है उनकी? हाँ जी मैम, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उनके बगैर तो मानो ज़िंदगी एकदम जुबान सी हो चुकी है। मतलब ऐसा लगता है कि अभी भी मैं डेरे में आई थी तो पिताजी को देख देख कर मतलब आँखों में ऐसे आंसू आ रहे थे कि हाय भी पिताजी आप जल्दी से आ जाओ, आपके बगैर सब सूना सूना है। कभी उन्होंने कुछ किया है देश के लिए?
हाँ जी बहुत कार्य किए हैं, गिन्नी बुक में उनके कितने रिकॉर्ड दर्ज हैं, कितने ही खूनदान के, खूनदान को तो अब यहाँ पे ब्लड बैंक बोला जाता है, हाँ चलती फिरती ब्लड मैं खुद कर गई हूँ महीना पहले, हर 3 या 4 महीने पहले हम करते ही रहते हैं मैं और मेरे हस्बैंड खूनदान, उससे शरीर में पूरी एक एनर्जी आती है, पूरा शरीर वो रहता है। जो ये काम यहाँ पे चलाए जाते हैं ये आप खुद भी करते हो? हाँ जी हर काम हम सेवा भाग भाग कर करते हैं, कोई भी बस एक बार थोड़ा सा पता चले कि यहाँ पे सेवा है, बस कुछ नहीं सोचते, भाग के बस सेवा करनी है तो करनी है, चाहे वो परमार्थ की हो, चाहे वो तन की हो, चाहे वो धन की हो, हम हर जगह से जहाँ से भी सेवा हमारी बने हम जरूर करते हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगी कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमारी सुनवाई करवाएं, हमारे गुरुजी को हमारे बीच में लाएं, और जो आजकल की जो युवी पीढ़ी है वो बहुत सुधरेगी, हम भी तो सुधरे हैं, हमारे गुरुजी ने हमें सुधारा है तो आगे और भी सुधरेंगे। प्लीज़ मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि हमारे गुरुजी को हमारे बीच जल्दी से जल्दी भेज दो, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। तो दोस्तों ये है रियल फैक्ट जो सूत्रों के हवाले से हमें मिले हैं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।